पीसे वाली दाल से ले लो। क्या उदासी का रीजन क्या है? बस गर्लफ्रेंड छोड़ दी। हाय रब्बा, ये रोते हुए बेहोश हुए थे, मरे थे। दाल से वाली दाल से ले लो। ये प्याज नीचे और दाल से ऊपर आ गई, ये कौन सा तरीका है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मेरे बैकग्राउंड में देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ मौजूद हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं मौजूद हूँ फेरर हॉल में, जहाँ हमारे साथ बहुत मज़ेदार पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। मज़ेदार से मुराद ये कि मज़ेदार टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स, हम इनसे बहुत मज़ेदार बातें करेंगे, गपशप करेंगे और आज उनसे मैं बहुत दिलचस्प गुफ्तगू भी करूँगी और मज़े के क्वेश्चंस भी करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक, क्योंकि आपने फीडबैक भी देना है, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं फेरर हॉल में मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखिएगा कि ये कितनी ग्रीनरी वाली जगह है, क्योंकि यही रीज़न है यहाँ टिकटॉकर्स आते हैं, क्योंकि हमें अपने बैकग्राउंड में जो है वो ग्रीनरी चाहिए होती है, उसी से हमारा जो है वो बैकग्राउंड क्योंकि बहुत मैटर करता है। ये देखिए जो ग्रीनरी है, ये फ्लावर्स हैं, इतनी अच्छी यहाँ पर लोकेशन है, यानी आपको जो है ऑल इन वन मिल जाता है। यहाँ पर फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, आपको जो है यहाँ पर ग्रीनरी भी मिल जाती है। तो तमाम जो हम देखते हैं कि टिकटॉकर्स आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, वो यहाँ आकर अपने व्लॉग्स बना रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो इसीलिए हम भी आज यहाँ आए हैं, हम एक्चुअली उनसे बात तो करें टिकटॉकर से कि वो किस तरह से टिकटॉक बनाते हैं और उसके अलावा उनकी कितनी एफर्ट्स लगती है पीछे। आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, मैं भी अपने थोड़े तशन में आई हूँ, क्योंकि जाहिर है मुझे भी मौका मिल सकता है, मैं भी टिकटॉक बना सकती हूँ। तो इंसान अपनी पूरी तैयारी में आए ना। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आज उरूज मलिक की जो है वो खूबसूरत आँखें क्यों नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें, अगर धूप थोड़ी कम हुई तो मैं अपनी खूबसूरत आँखें भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ढूंढते हैं यहाँ पर टिकटॉकर्स वगैरह और मज़ेदार उनसे गपशप करते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्यों बैठे? क्यों बस वैसे ही बैठा हुआ। मतलब क्या बैठने की कोई, मतलब यहाँ लोग आते हैं टिकटॉक्स बनाते हैं, क्यों इधर इतने क्यों बैठे हुए वैसे? मैं इसलिए उदास था आज, इसलिए बैठा हूं। हाय अल्लाह, क्या उदासी का रीजन क्या है? बस गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। हाय रब्बा यार, मतलब गर्लफ्रेंड्स के रोलों से बाहर आ जाओ, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को। पता है क्यों चली गई? उसने बोला टिकटॉक या गर्लफ्रेंड। अच्छा, मैंने बोला टिकटॉक। लो भाई, नहीं सुनो, मतलब क्यों? बस छोड़ गया टिकटॉक के लिए, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, लड़की छोड़ दी, क्योंकि लड़कियां बहुत आएंगी टिकटॉक से, आप पता है। भरोसा है खुद पर? बिल्कुल, लड़कियां बहुत आएंगी। अच्छा तो अच्छा ये बताओ, लड़की को अगर प्रपोज करना हो तो मतलब कोई एक्सपीरियंस है? नहीं इतना एक्सपीरियंस नहीं, लड़के खुद प्रपोज करें मैं ये चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अभी जो है अपनी कोई वीडियो बनाने वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो अभी वो अपनी कोई तैयारी श्यारी में करें, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, वो देखें वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी ये जो है कोई वीडियो, आई थिंक कोई प्रैंक या कोई वीडियो वगैरह बनाने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। क्या करने वाले हो? अभी हम सैड स्टोरी एक वो बनाएंगे। सैड स्टोरी बनाओगे? आप आपका क्या करेक्टर है उसमें? ये मेरा रोने वाला है, बहुत रोएंगे, गरीब मान का है। अच्छा रोएंगे आप? तो ये आंसू आ जाते हैं या फिर कुछ यूज करते हैं? वैक्स वैक्स यूज करते हैं। अच्छा जी, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं ऐसे ही आ जाते हैं? ऐसे आपको रो के दिखाऊंगा 2 मिनट बस, ठीक है? मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाएगा, ये बिल्कुल रो कर दिखाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ मुझे एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है। जी जी बोलो। ये रोते हुए बेहोश हुए थे, मरे थे? जी मर गया था। मर गए थे? बिल्कुल। ये दिखाओ जरा अपना फेस, तो दिखाओ तुम मर गए थे, ये रोकर क्यों मरे हो? ये बहुत दर्द मिले, गांव से दर्द मिले। दर्द की वजह से मर गए हो? जी जी। ओहो, मतलब क्या यार यहाँ पर लोगों को क्या हो गया? मैं जिससे पूछ रही हूँ उसको कोई ना कोई छोड़ के ही जा रहा है, वो दुखी इंसान है, दुनिया में और कोई दुख नहीं है? बहुत गरीब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। ठीक है, वैसे तो नाज़रीन मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन इनसे पूछने का मकसद यह है कि आप लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहुँचा सकूँ, क्योंकि जब तक ये बताएंगे नहीं आपको ठीक से पता नहीं चलेगा। तो हम देखते रहते हैं आपकी टिकटॉक वीडियोज़ जो है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड पर चल रही हैं, तो कोई वीडियो ऐसी जो आपकी वायरल गई हो?
एक वीडियो काफी वायरल गई। अच्छा पहले तो मैं बताऊं कि टिकटॉक पे लोग लिपसिंग करते हैं पहली बार और साउंड पे वीडियोस बनाते हैं। मैं साउंड पे वीडियो नहीं बनाता हूं, मेरी अपनी वॉइस होती है, मेरा अपने कंटेंट होता है। अच्छा तो क्या कंटेंट आपका, कोई पोएट्री वगैरह या क्या? लेकिन नॉर्मल फनी कंटेंट होते हैं मेरे। अच्छा और जो मैं वो एक मेरा टिकटॉक बेसिकली मेरा एक टिकटॉकर मैं कहलाऊंगा नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर कहलाता हूं। अच्छा। मैं जो एक ही कंटेंट जो होता है मेरा फेसबुक पे भी चल रहा होता है, इंस्टा पे भी चल रहा होता है और रील वगैरह जो भी होती है, जितने भी एप्स वगैरह और प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर पे भी मेरा है, तो सब कुछ मैं उसी पे चला रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग होते हैं उनको प्रोफेशनल लाइफ बहुत पसंद होती है, कुछ लोग होते हैं वो अपनी एंटरटेनिंग जिंदगी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम उबैद से भी पूछेंगे कि उनकी दोनों लाइफ में से वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और किस में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ अपने करियर को पहले सामने रखता हूँ, क्योंकि वो ये देखें पैसा है तो जिंदगी है, सही है। तो पहले तो ये है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, एक जेंट्री वर्चुअल डेवलपमेंट में यूएस की कंपनी है उसमें घर बैठे काम कर रहा हूँ सारा। उसके अलावा मेरा अपना भी एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिलेसो के नाम से, उसको अभी मैंने लॉन्च किया पिछले महीने और काफ़ी अच्छा अर्न हो रहा है उसमें से मुझे। बाकी ये जो मेरी प्रोफेशनल से हट के फैशन वाली लाइफ है, ये भी मुझे लगता नहीं था ये मैं इसमें आगे कभी जाऊँगा, बस एक टैलेंट था वो दिखाना था, एक शौक था, लेकिन अब वो शौक एक प्रोफेशनल में बदल गया, उससे भी अर्न करता हूँ मैं और दोनों बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं जी। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जो है उबैद ने अपनी मेहनत करनी शुरू कर दी है, वो आई थिंक व्लॉग बना रहा है अपना, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा इनका भी और हमारा प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये अभी ये मत देखिएगा कि सिर्फ इतना ही काम है, इसके बाद एडिट पर जाएगा भाई, बहुत मेहनत का काम है। इसके अलावा जो है हम मज़ीद यहाँ टिकटॉकर से बात करेंगे। अच्छा व्यूअर्स एक जो है मुझे बहुत मज़े का आइडिया आया है और इससे जो है एक मैसेज भी कन्वे हो जाता है इंसान को। आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो समोसे बेचने वाले, दाल से बेचने वाले ये होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो क्या रीजंस हैं? रीजंस तो खैर हम लोग जो 5 स्टार में हम लोगों को मिला हम कहते नहीं यार ये नहीं खाना चाहिए। यहाँ हमें फेरर हॉल में जो है मैं देख रही हूँ कि दाल से बेचने वाला भी मौजूद है, लेकिन अब ये हम करेंगे कि वो मैं सेल आउट करूँगी, मैं देखती हूँ कि यार वो क्यों नहीं बेच पा रहा है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, वो करना चाह रही हूँ और मैं देखूंगी कि अगर मैं वहाँ स्टैंड करती हूँ तो मुझसे कितने लोग आकर खरीद कर लेकर जाते हैं। सो मेरे साथ ये बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी नाज़रीन, जो है वो मैंने जो है यहाँ पर एक बच्चा ही कहूँगी मैं उसको, वो मौजूद था, वो दाल से बेच रहा था, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है, मैंने कहा यार तुम साइड पर हो जाओ मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने दो, तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ और किसी को नहीं बताया कि ये उस बच्चे का था या मैं आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं। दाल से वाली, दाल से ले लो, दाल से वाली हूँ मैं। हाँ भाई दाल से वाली, दाल से ले लो, कोई आ नहीं रहा भाई। जी आज तो मैं सारा ले लूंगा। सारा ले लोगे क्यों भाई? सही है ना, सोने के दाल से थोड़ी है। नहीं यार अच्छे हैं। अच्छा कितने की चाहिए भाई? कितने के चाहिए? 20 के, 30 के, 40 के, 50 के। अच्छा 20 के तो बना लो पहले, देखे मजा है। ठीक है ओके। खटाई डालूं? हाँ ना। नहीं नहीं पहली मरतबा नहीं, ये हम एक्सपीरियंस, ये हमारा स्टाइल है, आपने सुना नहीं बाबूराव का स्टाइल है? जी जी ये वो वाला स्टाइल है। ठीक है ये हमारी जो है वो है आपके नहीं पर्सनल जो है वो है। अच्छा तो नहीं कर रहा है, तुमको खाने से मतलब है ना, तुम खाओ, लाओ 20 रुपए दो, ये लो ये। थैंक यू, जाओ दाल से वाली, दाल से ले लो। 20 रुपए के दाल से देना। हाँ 20 रुपए के इतना सही, ज्यादा डालना। हाँ हाँ ठीक है। आपको नहीं पता ये रेसिपी हमारे पुरखों से खानदानी चलती आ रही है। अच्छा। आप लोगों ने कभी सीरियस ही नहीं लिया भाई दालसों को, ऐसा क्यों? आज अब पहली बार आए। आपको इसमें देखिए ना ऑल इन वन चीजें मिल रही हैं, आपको चने मिल रहे हैं, आपको खीरा मिल रहा है, अब सलाद के तौर पर सारी चीजें तो मिल रही हैं आपको। अच्छा। और क्या चाहिए भाई आपको? पैसे दीजिए सबसे पहले तो मुझे। भाई आप देख रहे हैं कि मुझे तकरीबन यहाँ पर खड़े हुए सिर्फ 5 मिनट हुए और मुझे जो है मैंने वो 40 रुपए कमा भी लिए हैं, तो मजीद देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुक करके और कितना होता है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तो आई थिंक के वो मैसेज आप तक कन्वे भी हो रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि अगर एक लड़की मौजूद हो तो यहाँ पर जो है हर चीज़ सेल आउट कितनी इजीली हो जाती है, और अगर वही कोई मर्द बच्चा या कोई भी मजबूर इंसान खड़ा हुआ हो तो यार मैं कहती हूँ कि इट इज़ नॉट फेयर, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं। चलो दाल से वाले, दाल से ले लो, चटपटी नहीं, क्यों
चटपटे नहीं खाता हूँ। अच्छा, दाल से ले रहे हो तो एहसान कर रहे हो क्या? दाल से खाने के लिए ले रहे हो ना, खुद के खाने के लिए ले रहे हो? ये प्याज नीचे दाल से ऊपर आ गई, ये कौन सा तरीका है? तो आपने पेट में जाके भी तो मिल जाना है। अभी इसको मिक्स करूंगी ना। कैसे मिक्स करेंगे, तेली में घुमाएंगे? भाई तुमको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो फिर चुप करके खड़े रहो। ठीक है। अरे नहीं, मुझे 30 रुपए चाहिए। नहीं तो कुल्ला दो ना, आप जो इतना बेचती हो तो पैसे तो कमाए होंगे ना आपने। भाई 30 रुपए निकालो, वरना ये अगर ये नहीं पैसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसे है ना मेरे पास। कुल्ला दे दो मेरे को ना। ये जो है ना दाल से तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, मैं वो बना रही हूँ, लेकिन ये स्पेशल रेसिपी है, ठीक है। ये हमारी कैल्शियम के लिए, विटामिंस के लिए, प्रोटीन के लिए, मतलब ऑल ओवर जो है इसमें सब कुछ मौजूद है, इस तरह की रेसिपी है। कौन सी चीज इसमें यूज की है? देखिए ना, जैसे कि इसमें जो प्याज है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होता है। इसके अंदर कुकम्बर है, यू कैन सी, इसके अंदर जो कुकम्बर है ये हमारे जो, ये जो सैलेड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, हम लोगों को हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा स्टमक, हमारा लीवर, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आप देख रही हैं कि ये जो ब्लैक चने हैं, तो ये तो वैसे ही बहुत ताकत वाले होते हैं। इसमें मिक्स है ये, इसमें मिक्स है, यही तो खसूसियत है, इसमें मिक्स है, सब कुछ मिक्स है। और मजे की बात ये कि लेमन है, तो अगर आप लेंगे तो आप बार बार आएंगे, ये याद रखिए। अलग अलग अड्डे है ना मेरे। दाल वो बनाऊं, कितने की बनाऊं आपके लिए? दो, हाँ हाँ ठीक है। 20 वाला, 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला? नहीं, 30 वाला। आप दोनों के लिए बनाओ। 30 वाला एक ही बनाऊं? हाँ, अलग अलग बनाऊं? अलग अलग बनाऊं। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये गोल्डन रेसिपी है भाई, ये आपको किसी भी खाने में, किसी भी मटन वटन में नहीं मिलेगी। वेलकम जी, यहाँ मुझे 100 रुपए मिले हैं जो मेरे पैसे आपके 30-30 के दो है ना? ठीक है, नो 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 नो, लीजिए 20 आपके, 20 आपके, आप भी खुश, वो भी खुश। वेलकम, थैंक यू, दोबारा आइएगा, थैंक यू। दाल से वाली दाल से ले लो। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि मैंने बेचे, उस टाइम वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, जैसे ही मैंने सेल आउट किया तो देख रहे हैं आप, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, अब तो वहाँ पर भीड़ हो गई है, तो मुझे लगा कि मेरा निकलना ही मुनासिब है यहाँ पर। तो मेरा मैसेज आपको कन्वे तो हो ही गया होगा कि मतलब अगर एक लेडी, एक लड़की सेल आउट करती है चीज़ें तो किस तरह से क्राउड हो जाता है, और अगर एक लड़का करता है तो किस तरह से वो बेचारा सुबह से शाम तक ख्वार होता रहता है, कुछ भी नहीं होता। तो होपफुली कि आपको मज़ा भी आया होगा। तो मैंने जो पैसे कमाए थे, ये देखें, आई थिंक 10, 20, 100, 150, और ये देखें कि 180 रुपये मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 या 5 मिनट मैक्सिमम मुझे लगे होंगे, मैंने उसमें इतने कमा लिए। और अब हम इसको जो है, वो जो दालते का असली ऑनर है, उसको देकर आएंगे। ये लीजिए, ये आपके जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया, अगर यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो तो प्लीज़ माज़रत, ये लीजिए, जज़ाकल्लाह। तो अब मुझे मिलेंगे दाल से? मुझे ऐसे ही दे दो यार 20 रुपए के। बस 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 बस, अरे मसाला तो मैंने किसी को डाल के नहीं दिया। अरे मसाला तो मैंने किसी को नहीं डाल के दिया भाई। व्यूअर्स, तो नाज़रीन आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ काफ़ी इन्जॉय किया, लोगों से तरह तरह की बातें की, क्वेश्चंस किए, टिकटॉकर्स मिले, डायरेक्टर्स मिले, इवन के हम लोगों ने यहाँ पर दाल से भी बेचे और मैं खा भी रही हूँ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत हंसी। और भाई ये क्या है, कौन हो भाई? मैं तो गरीब है, मजदूरी करते हुए टिकटॉक नहीं बनता, इसलिए इधर ही आए हुए पंजाब से। टिकटॉक क्यों नहीं बनता तुम्हारा? हमने कभी बनाया नहीं, मुझे शर्म आता है टिकटॉक बनाने से। शर्म क्यों आता है? वो लोग कहते हो, बड़े बड़े सेठ कहते हो हमारे घर में चलो, मैं क्या, हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब घर में चलो? कहते हमारे घर में बंगला पे काम करो, हमारा बेटा बनो, फैमिली पे रहो। अच्छा, अब मैं क्या, हम नहीं रहेंगे, मुझे शर्म आता है, मैं अकेला इधर ही फुटबारियों पे सोता हूँ। अच्छा भाई, बंगले में रहने से अच्छा है, ये कहते हैं कि भाई फुटपाथ पे सोना ज़्यादा अच्छा है, भाई इनका ओपिनियन है, हम क्या कह सकते हैं। मुझे, मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि मेरे जो है ना, वो क्या कहते हैं, ठुड्डे के साथ लग गया ये, ठीक है। हमारा खुद ही बाप मर गया था, हम 3 महीने का था जब घर वालों ने मुझे भगा दिया, हम अकेला ही हैं। ओ, बहुत एक भाई नशे पे लग गया, वो चाचे ने
बॉर्डर पे लगा दिया मेरे भाई को। भाई इनको सपोर्ट करे, इनके साथ टिकटॉक वगैरह बनाया करे, उसका भी दिल है, उसका भी दिल करता है कि उसके साथ भी कोई पिक्चर ले, टिकटॉक बनाए। सभी को बनाते हो लेकिन गरीब लोग। देखो वॉइस ऑफ नेशन ने तुम्हारा लिया ना इंटरव्यू, वॉइस ऑफ नेशन के लिए क्या कहोगे? भाई जो कह सकते हैं बताओ ना क्या कहोगे। हमारा जो चैनल है वो वॉइस ऑफ नेशन है, ठीक है, इसने तुम्हारा इंटरव्यू किया ना, तुमसे बात की ना, तो इसके लिए क्या कहोगे अभी? इसलिए मैं वही कहना चाहता हूँ ना, कारोबार है ना, इसलिए धक्के खा रहे हम। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो थैंक यू। जी तो नाज़रीन आपको लग रहा होगा कि ये जो है वो सच्ची मुची इसको मार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टिकटॉक वीडियो बन रही है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने दाल से बेचे, मज़े मज़े की बातें भी की लोगों से जहाँ पर मौजूद थे, कुछ टिकटॉकर्स व्लॉगर्स वगैरह। कौन है भाई मेरे पीछे? भाई मैं इनको डिस्टर्ब कर दिया मैंने इनको। चले आप कंटिन्यू रखें अपना टिकटॉक बनाना। तो जनाब अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।